श्रद्धालु आए हुए हैं और जो पर्यटक आए हुए हैं वो पूरे एंजॉय कर रहे हैं और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। होली को लेके हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं पुष्कर वासियों को, अजमेर वासियों को, प्रदेश वासियों को। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस पुष्कर का महत्व और ज़्यादा दुनिया में कैसे बढ़े उसके लिए प्रयास किए। सबसे बड़ा प्रयास था ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार, जो काम चालू है। बाहर का जो एंट्री प्लाजा था, एंट्री प्लाजा का नाम बदल के ब्रह्मवाटिका किया, रैंप बनाया और बहुत ही खूबसूरत उसमें अभी हमने मदर संध्या भी करी है। दूसरा, पुष्कर के सरोवर में जो गंदा पानी आता था उसका ट्रीटमेंट के लिए मुख्यमंत्री जी ने बजट में अनाउंसमेंट ही नहीं किया, बल्कि वो कार्य योजना जमीन पे उतर गई है और वो ठेका मिल गया ठेकेदार जी को, उन्होंने कार्य शुरू कर दिया है। तीसरा, पुष्कर को अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव के रूप में जाना जाए उसके लिए पूरा हमने एक्सरसाइज की और जो पुष्कर की पवित्रता को नष्ट करने के पिछले कुछ दिनों से प्रयास हो रहे थे, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी, उसके लिए भी इस बार का जो होली महोत्सव है ये अपने आप में अनूठा रहा है। हमने ये अंदर की जो होली थी पुष्कर शहर में जो खेलते थे उसको हमने मेला मैदान में ट्रांसफर किया और अभी मैं खुद मेला मैदान में भी गया पूरे बाजार के अंदर से, जबरदस्त उत्साह है लोगों में। सभी पुष्कर वासियों ने धन्यवाद दिया है और 4 तारीख को कार्यक्रम हुए विद्यासा आई, 5 तारीख को अनुराधा पौड़वाल जी आई, कल 6 तारीख को होलिका दहन के दिन हमने महाआरती करी 1.25 लाख दीपदान के साथ और हरिहरन ने तो समा मान दिया, मतलब हजारों की संख्या में श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसा उन्होंने भजन, गजल, बॉलीवुड, मतलब हर तरह का टेस्ट हरिहरन जी ने दिया। और आज तो युवाओं की जो धड़कन है, युवाओं के जो सेलिब्रिटी हैं, अमित त्रिवेदी, आज शाम को आप देखेंगे कि 1 लाख से ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आए हैं। तो ये जो होली महोत्सव है ये पूरी दुनिया में पुष्कर का नाम प्रसिद्ध करेगा, ये हमारी भावना है, हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारा जिला प्रशासन, जिला पुलिस, पूरी टीम ने बहुत खूबसूरती से काम किया है। पूरा पुष्कर वासी उनको बार बार साधुवाद, धन्यवाद। प्रधान मारा घाट पर ला बेला होली मंडल का जो गैर महोत्सव है वो आज धुलंडी खेलने के साथ ही संपन्न हुआ। पूरे प्रशासन को, पुलिस प्रशासन हो चाहे शासन में हो, सभी ने जो हमारा सहयोग किया उनको धन्यवाद। और सभी पत्रकार बंधुओं ने जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरे पुष्कर की होली को जो सपोर्ट किया उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये होली एक पारंपरिक होली है। जो से हम सब ने इस समय निर्णय लिया था कि हम डीजे नहीं बजाएंगे, क्योंकि एक धार्मिक आयोजन के अनुसार जो इसको कोई अलग नाम दे दिया था, तो हमारी तो ये धुलंडी है। उस धुलंडी को हमने उत्साहपूर्वक पूरे युवाओं ने जोश खरोश के साथ मनाई है प्रधान माराघाट चौक पर और अन्य स्थानों पर भी। और जो 4 दिवसीय जो होलिका महोत्सव भी हुआ उसका भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया, क्योंकि प्रथम बार ऐसा आयोजन इस पुष्कर के इतिहास के अंदर ये आयोजन हुआ है शासन की तरफ से, राजस्थान के सरकार की तरफ से, टूरिज्म की तरफ से। बहुत ही अच्छा आयोजन रहा 4 दिन का। और आज जैसे आप देख रहे हैं पूरे जोश और खरोश के साथ पूरे पुष्कर के अंदर होली युवा खेल रहे हैं, अपने पारंपरिक तरीकों से जो वाद्य यंत्र है हमारा ढोल चंग नगाड़े उनके ऊपर नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं। ये है आपका नाम है? मैं आशुतोष शर्मा, प्रधान बाराघाट चौक छोटी बस्ती।